इस ईवीएम वाली सरकार को नहीं मानेंगे, क्योंकि ईवीएम के भरोसे यह कहता है 400 पार, ये तो ईवीएम का भरोसा है। संविधान बचाने के लिए जरूरी है कि ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल हो, दिल्ली पुलिस हो या अमित शाह खुद सड़क पर उतर जाए, हम नहीं मानने वाले। अमित शाह की पुलिस में इतनी औकात नहीं है, मोहन भागवत की पुलिस में इतनी औकात नहीं है कि हमको ईवीएम के खिलाफ, किसी की औकात नहीं है कि हमको सड़क पर उतरने से रोक दे। ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे, अमित शाह का बाप भी नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल बाद ही जो है एकाध मामला ऐसा आ रहा है पिछले 10 साल में जिसमें कि जो है सुप्रीम कोर्ट दो मामले में संज्ञान लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में और दूसरा चंडीगढ़ वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है उस तरह का रुख ईवीएम वाले मामले में नहीं लगे। ऐसा थोड़े है कि ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया है, अगला डेट 5 मार्च का दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप समझ रहे हैं 5 मार्च का डेट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है? 5 मार्च का डेट सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया है कि तब तक चुनाव का जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए और उसके बाद जो है उस बात का ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से हो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी मामला है, अगर दे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना होता तो कर चुकी होती। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इस मामले में नहीं, ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो ना, हमको तो मतलब है, हमको इसलिए मतलब है क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है और ईवीएम उस संविधान को बचाए रखने की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर ईवीएम ही करप्ट है तो फिर संविधान किस बात का? यानी संविधान के जो 4 में से 3 पिलर निर्धारित होते हैं वो सब ईवीएम से होते हैं और दिलचस्प है 4था पिलर भी ईवीएम प्रभावित करता है। सरकारें बनी हुई हैं राज्यों में, क्या सब वो ईवीएम से नहीं बनी है? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि उनका इस्तीफा दिलवाइए ना सब ये इस्तीफा की कहाँ से बात है? हम चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख कर गए हैं कि चुनाव जो है पारदर्शी चुनाव हो, स्वच्छ चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, ये डॉक्टर अंबेडकर संविधान में लिख कर गए, तो हम डॉक्टर अंबेडकर के चेले हैं, तो हम लोगों का जो है जिम्मेदारी ज़्यादा है कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान में लिख कर गए हैं हम उसका पालन करें। इसलिए हम जो है ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे हैं, भले ही दिल्ली पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी हो, बावजूद इसके इनको परमिशन कौन कह रहा है? हमको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, संविधान बचाने के लिए हमको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हमने 22 फरवरी के डेट की घोषणा कर दी है, हम 22 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे, जंतर मंतर आएंगे तो हम अपनी बात पर कायम रखेंगे। हम कोई दिल्ली पुलिस हमें नहीं रोक सकती है, किसी जो है अमित शाह की पुलिस में इतनी औकात नहीं है, मोहन भागवत की पुलिस में इतनी औकात नहीं है कि हमको ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। हम बागी हैं संविधान बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम बागी क्या? हम किसी भी हद में खून का एक एक बूंद देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ संविधान है। मैं कह रहा हूँ संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, अब आप इसका मतलब जैसे निकालिए। हम देश का संविधान बचाने के लिए जो बाबा साहब ने हमको दिया है, जो तमाम शहीदों ने अपनी शहादत से हमको इस देश का संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, किसी भी हद से गुजर जाएंगे। संविधान को हर हाल में बचाएंगे और संविधान बचाने के लिए ज़रूरी है कि ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल हो, दिल्ली पुलिस हो या अमित शाह खुद सड़क पर उतर जाए, हम नहीं मानने वाले। बीजेपी परेशान है, चंडीगढ़ मामले में फैसला आएगा, आप लोग फिर आंदोलन करने। हम बीजेपी परेशान से सोने तो दो, हमारे लिए बीजेपी की परेशानी कोई कारण नहीं है, हमारे लिए है सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई हो, ईवीएम हटना चाहिए और जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि संविधान में जो प्रावधान है वो लागू होना चाहिए और ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 15 फरवरी को झटका लगा चुनावी चंदे को लेकर, अब चंडीगढ़ पे मामला आएगा, अब आप आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि यह सरकार ही ईवीएम से लगातार झटके लग रहे हैं, ये सरकार जीने दो, यह सरकार ही जो है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यह जो मोहन भागवत जी की जो सरकार है, यह सरकार ही ईवीएम से चल रही है, तो झटके की क्या बात है? यह इस सरकार को जड़ से उखाड़ने की तैयारी है, बेईमानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। जो संवैधानिक तरीके से आएगा, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो वर्णित है उसके अनुसार जो सरकार आएगी, सत्ता में चुनकर जो सरकार आएगी, हम उस सरकार को मानेंगे, इस ईवीएम वाली सरकार को नहीं
नहीं मानेंगे क्योंकि ईवीएम के भरोसे यह कहता है 400 पार। ये तो ईवीएम का भरोसा है, कोई भी राजनीति कोई जेल, तो। जेल से कौन डरता है, मेरे ऊपर 26 मुकदमा है, 2600 मुकदमा कर दो तो भी हम ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोई अमित शाह की पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस, किसी की औकात नहीं है कि हमको सड़क पे उतरने से रोक दे। 2600 मुकदमे हो जाए, हम संविधान से खेल नहीं रहे, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे, तो संविधान बचाने की लड़ाई जारी। बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, जिसकी बात जो है संविधान में की गई है, उससे ही बचेगा संविधान। संविधान ही की बुनियादी पूरी टिकी हुई है। फेयर चुनाव नहीं हो रहा आपके? नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेईमानी वाला चुनाव हो रहा है, बिल्कुल धूर्तता है, बेईमानी है, इस देश के जनता के लोगों के वोट की डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, कल जंतर मंतर पहुँचे, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 राजीव चौक 11 बजे पहुँचे, वहाँ से जंतर मंतर हम मार्च करेंगे। राजीव चौक से करोगे? हाँ, मार्च वहाँ से करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले जंतर मंतर का जंतर मंतर जाएंगे, राजीव चौक गेट नंबर 6 से हम लोग निकलेंगे और वहाँ से हम लोग जंतर मंतर मार्च करेंगे। कौन कर रहा वोट की? वोट की लूट जो ये मनुवादी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी, वो लूट कर रही है। मोहन भागवत लूट कर रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का वोट डकैती कर रहा है। मोहन भागवत राजनीति में क्या बात करती हैं? फिर मोहन भागवत क्या, किस चीज में? मोहन भागवत राजनीति में नहीं है, इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकता है? मोहन भागवत किस पद पे है, तो ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बताएंगे। अगर वो किस पद पे है, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी दी है, ये तो सरकार को बताना चाहिए ना, हम कैसे बताएंगे? सरकारी जेट प्लस सिक्योरिटी नागरिक हम भी हैं, हमको वाई सिक्योरिटी भी नहीं दी है भैया। मोहन हम मोहन भागवत जो है ऐसा क्या कर दिया उसको जेट प्लस सिक्योरिटी? राष्ट्र के लिए काम कर, हम राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा? तो हम जाति की बात करते हैं ना, धर्म की बात करते हैं। जो धर्म की बात करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है और संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी? बड़े जातिवादी तो तुम ही लोग हो। हम किस बात के जातिवादी? हम अगर जातिवादी होते, हम जिस जाति में पैदा हुए, जाति सबसे ऊपर होती। हम कह, ये तो अजीब तरह की बात है, हम जातिवादी हैं, हमारी जाति सबसे नीचे है, हम कैसे जातिवादी हैं कि हम कहते हैं कि हमको घोड़ी से उतार दो? सब पर डीएनए एक है, सब एक है, तो फिर मान क्यों नहीं लेते? मैं मोहन भागवत कह रहे हैं तो मोहन भागवत के चेले चपाटे मान लें। मोहन भागवत इतना ही कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, ये बताइए आरएसएस का चीफ कोई दलित को कहे नहीं बना दे रहा? दलित नहीं हो ना, अभी तो कह रहे थे डीएनए योग, डीएनए जो है एक है, तो डीएनए के आधार पर होगा, तय की योग्यता के आधार पर होगा, योग्यता नहीं है ना? तो ये बात मोहन भागवत बोले, योग्यता नहीं है, मोहन भागवत ये बात भी बोल दे तो बन जाता डीएनए तो, योग्यता होती तो अब तक बन जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि डीएनए एक है, योग्यता नहीं है, ये बात मोहन भागवत बोल दे कि दलितों पिछड़ों में योग्यता नहीं आरएसएस का चीफ बनने की, हम मान जाएंगे मोहन भागवत बोल देगा। कल आंदोलन होगा आपका? कल हर हाल में आंदोलन होगा, 22 फरवरी को, और राजीव चौक के जो है गेट नंबर 6 पर हम लोग जुटेंगे और वहाँ से हम लोग जंतर मंतर मार्च करेंगे। ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। संविधान बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि ईवीएम पर ही संविधान टिका हुआ। ईवीएम से ही संविधान को खतरा है, क्योंकि संविधान ईवीएम पर टिका हुआ है। ईवीएम से चुनी हुई जो सरकार होती है वह संविधान की रक्षक है, वह संविधान को चलाती है, वह संवैधानिक प्रावधानों को देश में लागू करती है, वह ईवीएम से चुनी सरकार के जिम्मे है। तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, हमें विश्वास है कि देश का संविधान सही तरीके से लागू नहीं होगा, क्योंकि लागू करने वाले लोग ही ईवीएम की बेईमानी से चुन कर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी आ गई है आपके साथ में, ये तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं सब लोग आ जाएं। हम लोगों ने जो एक जो बार बार मैं आपको ही खोज रहा था, आप लोगों को, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सब लोग एक मंच पर नहीं आते, ला दिया ना हमने सबको एक मंच पर। राजेंद्र पाल गौतम थे, महमूद प्राचा थे, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया थे, उदित राज जी थे, वामन मिश्राम थे, ला दिए ना, डीसी कपिल जी भी दिख रहे थे, ला दिए ना हम सबको एक मंच पर। अब आइए, अब ये सवाल तो आपका बेकार हो गया, सब एक मंच पर हैं, इसका मतलब है कांग्रेस
इसका मतलब ईवीएम के मुद्दे पर हम लोग साथ हैं, ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर बीजेपी भी जो निकला हुआ नेता आएगा हमारे साथ है। अनुमति नहीं, वो किसको अनुमति चाहिए? संविधान बचाने के लिए हमको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, अमित शाह का बाप भी नहीं रोक सकता।